अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करना है। ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर नंबर 1 है। ऑनलाइन लेक्चर बेटे वीक में 2 डेज होंगे, सैटरडे और मंडे। तो बाकी डेज में आपके क्लासेस में लेक्चर होंगे। ऑनलाइन लेक्चर हमने डिस्कस करने होंगे, जो ऑलरेडी आप लोग क्लासे में पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हमने ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब बच्चे वन टाइम दुरुस्ती पढ़ लें। जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 का नेम है हमारे पास फंडामेंटल केमिस्ट्री। इससे पहले ऑलरेडी आप लोग केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर 8 हैं, तो 1 से 8 तक ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारी सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, उसके साथ आंसर भी राइट है, ऑलरेडी भी आपको मार्क करवाए हुए हैं, दोबारा फिर रिव्यू करवा देते हैं। इन्हीं को आप लोगों ने 100% प्रिपेयर कर लेना है। आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइंस। साइंस की डेफिनेशन है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड हाउ इट्स वर्क। साइंस एक ऐसा इलम है जो हमें इस वर्ल्ड को समझने में हेल्प आउट करता है, इसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उसका आंसर आपके सामने राइट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, समटाइम एग्जाम में भी आ जाती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। साइंस की वो शाख जिसमें हम कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी और रिएक्शन ऑफ मैटर को डिस्कस करें उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। बेसिक आज के लेक्चर में हमने 4 ब्रांचेज डिस्कस करनी है। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। मैक्सिमम ब्रांचेज में उनके नाम के अंदर ही उनकी डेफिनेशन प्रेजेंट होगी, डेफिनेशन के साथ साथ हमने उनकी एप्लीकेशन या फिर उनके स्कोप को भी डिस्कस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी विद रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन देम। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके कंपोजिशन की स्टडी करें उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखें, फिजिकल केमिस्ट्री मीन दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें किसको डिस्कस करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को। ये हमारे पास की वर्ड है और इसके साथ हमने इसकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस करना है। शॉर्ट इस तरह आ जाता है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, या समटाइम इस तरह आ जाता है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री राइट इट्स एप्लीकेशन, या फिर राइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको दोनों आने चाहिए। एप्लीकेशन इसकी है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिक डिस्कस करते हैं बिहेवियर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर बिहेवियर, अब किस किस की स्ट्रक्चर और बिहेवियर को स्टडी करते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड, और इनका इफेक्ट टेम्परेचर का, रेडिएशन का मैटर के ऊपर जो इफेक्ट होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इस ब्रांच को हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। अब इसमें MCQ भी बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इन विच वी स्टडी बिहेवियर और फॉर्मेशन, या फिर इस तरह आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इन विच वी स्टडी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर।
तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में बिहेवियर की स्टडी भी करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर की स्टडी भी हम करते हैं। फर्स्ट ब्रांच थी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आल्सो इट्स स्कोप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बेसिक टू वर्ड से ड्राइव है, हाइड्रोकार्बन जिसे नाम देते हैं, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। और इसका स्कोप क्या होगा? पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये इसका स्कोप होगा। ठीक है बेटे, स्कोप का मीनिंग ये होता है कि ये अप्लाईबल कहाँ पे होता है, एप्लीकेबल कहाँ पे होती है ये ब्रांच। तो इसलिए हम कहते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा अप्लाईकेबल है। ठीक है बेटे, अब देखें लास्ट जब हमने डेफिनेशन की उसमें हमने कहा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, इसमें भी आप ये राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एटम, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर अगर आपने स्टार्ट करना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, तो फिर कोवलेंट कंपाउंड से स्टार्ट करना है, अदरवाइज ऐसे ही आप लोग राइट कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बुक में समटाइम उन्होंने लिखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, समटाइम लिखते हैं स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग जो मर्जी राइट कर देंगे तो उसमें आपकी मिस्टेक कंसिडर नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। जो बात हमने ऑर्गेनिक में की है उसको इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाएगी। ऑर्गेनिक में हमने कहा हाइड्रोकार्बन और उनकी डेरिवेटिव की स्टडी। डेरिवेटिव कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से जो न्यू चीज़, न्यू कंपाउंड बनता है उसे उसका डेरिवेटिव कहते हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑल एलिमेंट की स्टडी करते हैं और उनके कंपाउंड की स्टडी भी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निकाल के जितने भी बाकी एलिमेंट बनते हैं और उनके कंपाउंड हैं उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्लासेस, सीमेंट, सिरेमिक, मेटलर्जी, यानी कि मेजर इनऑर्गेनिक का जो ज़्यादा स्कोप है वो इंडस्ट्रीज़ में है। और इंडस्ट्रीज़ भी मेजर हैं, ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट है, सिरामिक इंडस्ट्री, मेटलर्जी, और एमसीक्यू में आ जाता है या शॉर्ट में भी आ जाता है डिफाइन मेटलर्जी, तो आपने ये लिख देना है एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से मेटल को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है उससे हम मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। बायोकेमिस्ट्री एनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस से मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है। समटाइम इसका क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री या फिर राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी को। बायो मीन लाइफ होता है, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। अब इनकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है जो हो रहे हैं उसको हम कंबाइंड नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। दैट इज़ इम्पोर्टेंट शॉर्ट बाय एनुअल एग्ज़ाम। समटाइम इस तरह अलग से शॉर्ट भी आ जाता है डेफिनेशन का, समटाइम कंबाइन भी शॉर्ट आ जाता है उसकी एप्लीकेशन भी। बेहतर प्रोसीजर ये होता है अगर वो डेफिनेशन की डिमांड करे तो हमें डेफिनेशन के साथ उसका स्कोप भी, एक लाइन का ही स्कोप बनता है, वो भी हमें राइट कर देना चाहिए ताकि हमारा जो मार्क्स काटने के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन कौन सी हमारे पास? एप्लीकेशन इसकी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर, तीन वर्ल्ड इसकी एप्लीकेशन है। बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? मेडिसिन पे, फूड साइंस और एग्रीकल्चर।
थ्री फील्ड में इसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टू डेफिनेशन साइंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने फिजिकल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन या स्कोप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी एप्लीकेशन और उसका स्कोप, बायोकेमिस्ट्री उसकी एप्लीकेशन और उसके स्कोप को डिस्कस किया। बेसिक आज हमने 6 डेफिनेशन को डिस्कस किया। इन डेफिनेशन को आप लोगों ने 100% प्रिपेयर करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल एग्ज़ाम में कन्फर्म एक शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से आ जाता है। समटाइम वो डेफिनेशन पूछ सकता है, समटाइम वो स्कोप पूछ सकता है। तो आप बच्चे इसकी डेफिनेशन भी करेंगे और इसका स्कोप भी करेंगे, ठीक है। स्कोप अलग से भी शॉर्ट आ जाता है, कंबाइन शॉर्ट भी आ जाता है। जो हमारे रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है इनको हमने नेक्स्ट डिस्कस करना होगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।